दोस्तों नमस्कार, सुविधा नेटटेक चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों मैं एक नया प्रोडक्ट लेके फिर आपके सामने आ गया, राजेश्वर विश्वकर्मा आपसे बात करता हूँ। त्योहारों के मौसम में आपको बधाई देता हूँ, एक के बाद एक त्योहार आ रहे हैं, खुशियाँ मनाइए और अच्छे अच्छे पकवान खाइए। और मैं आपके सामने ले आया हूँ एक बेहतर प्रोडक्ट, इसके बारे में मैं दूंगा पूरी जानकारी। तो क्या है ये प्रोडक्ट, देखने के लिए आप वीडियो के साथ जुड़े रहिए। और अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो हमारे इस चैनल के बेल आइकन को दबा के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन हमारे चैनल पे मिलता रहे। अगर आप एक यूट्यूबर है तो हमारे चैनल को जरूर देखिए, आपको बेहतर से बेहतर वीडियो मिलते रहेंगे, जिससे भविष्य में आप और बेहतर काम कर सकेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको खोलने के लिए क्या है इसके अंदर कैंची का उपयोग करके आपको बताता हूँ कि क्या निकलता है। दोस्तों मैंने इसको कवर को कैंची से काट लिया, तो ये देखिए दोस्तों मैंने इसके अंदर मंगाया है एक बेहतर कीबोर्ड, जिसके अंदर से सबसे पहले ऊपर निकली एक रसीद और इसके अंदर फ्लिपकार्ट का स्टिकर लगा हुआ है, जिसको मैं कैंची से इसको भी हटाता हूँ। तो ये स्टिकर हटाने के बाद एक मुझको आता है कीबोर्ड, तो ये कैसा कीबोर्ड है और कैसे मैंने मंगाया है ये चीज सब आपको अभी अभी दोस्तों मेरे हाथों में आ गया। लेनेवो का 100 वायरलेस कॉम्बो कीबोर्ड एंड माउस, क्योंकि मैं कंप्यूटर पे वर्क करता हूँ तो मेरे लिए एक वायरलेस कीबोर्ड और माउस बहुत ही जरूरी है। मेरे पास और भी वायरलेस माउस और कीबोर्ड हैं, जैसे लॉजिटेक का मैं यूज करता आ रहा हूँ, लेकिन पहली बार मैंने लेनेवो 100 वायरलेस कॉम्बो कीबोर्ड एंड माउस मंगाया है और ये मैंने फ्लिपकार्ट के सेल से मंगाया है। तो क्या है इसकी कीमत है वीडियो के सबसे अंत में बताऊंगा, आप कैसे मंगा सकते हैं ये भी बताऊंगा और कैसा इसका परफॉर्मेंस, अभी आपके सामने कंप्यूटर लैपटॉप लगा हुआ है। तो सबसे पहले मैं इसके सील पैक को खोलता हूँ। ये देखिए दोस्तों एक बार डिब्बे को आप ध्यान से देख लीजिए, ब्लैक कलर का प्यारा सा दुलारा ये डिब्बा दिया हुआ है और इस डिब्बे के अंदर रखा हुआ लेनेवो का कीबोर्ड। तो पुराने कीबोर्ड को मैं थोड़ा ऊपर करके इसके सील को खोलता हूँ और देखता हूँ कि अंदर से कैसा निकलता है। तो ये सील पैक कट चुका है और इसके ढक्कन को खोलने की मैं तैयारी करता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों ये ढक्कन खोलने के लिए तैयार है और प्यारा दुलारा ये देखिए। सबसे पहले हम देखते हैं कीबोर्ड को, लाइट वेट कीबोर्ड है जो हाथों में बेहतर आ रहा है। इसके प्लास्टिक को मैं हटाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, तो ये कीबोर्ड बाहर आएगा। तो ये देखिए दोस्तों ये कीबोर्ड बाहर आ गया और बहुत ही प्यारा दुलारा और बेहतर कीबोर्ड है, लेनेवो का एक कीबोर्ड है। इसके पीछे देखेंगे तो एक जगह ट्रिपल एफ से लगाने के लिए इसमें वन बैटरी लगेगी, इसके लिए एक जगह दिया हुआ है। और अब देखते हैं इसके माउस को, तो ये देखिए दोस्तों इसके अंदर से एक प्यारा दुलारा लेनेवो का माउस भी निकल रहा है। ये देखिए इसमें ऑफ ऑन बटन का एक बटन ऑन ऑफ दिया हुआ है नीचे, और सेल के लिए जगह दिया हुआ है। तो देखते हैं सेल कितना कौन सा लगता है। तो इसमें भी डबल ए वाला सेल 1.5 वोल्ट का लगेगा। और इसके साथ देखते हैं बैटरी दिया हुआ है कि नहीं, तो डिब्बे में बैटरी भी दिया हुआ है। देखिए दोस्तों दोनों के लिए एक एक बैटरी दिया हुआ है और एक यूएसबी रिसीवर दिया हुआ है, जिसको मैं अलग करके आपको इसका टेस्ट करके रिसीवर है। और यूएसबी रिसीवर को मैं लगाने से पहले सबसे पहले इसके अंदर बैटरी लगाता हूँ। तो सबसे पहले मैं इसके माउस में बैटरी लगाता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों माउस में मैंने बैटरी लगाई, ये देखिए दोस्तों, और इसके ढक्कन को मैंने बंद किया। ये देखिए माउस में बैटरी लग गई। अब इसके कीबोर्ड में बैटरी लगाने की बारी है। पुराने कीबोर्ड से मैं बैटरी लगा के इसके अंदर लगाता हूँ। मेरे पुराने कीबोर्ड में दो बैटरी लगी थी, इसमें एक लगेगी, तो एक बैटरी निकाल के मैं लगा रहा हूँ। तो एक बैटरी मैंने इसमें लगा दी। अब ये कीबोर्ड ऑन होने के लिए तैयार हो गया है।
इसके ढक्कन को बंद कर दिया। बैटरी लगने के बाद इसका ढक्कन मैंने बंद कर दिया, पुराना कीबोर्ड माउस मैंने कर दिया किनारे, नए कीबोर्ड माउस के साथ मैं काम करके आपको दिखाने के लिए तैयारी कर रहा हूँ। इसके डब्बे को भी कर दिया किनारे। प्यारा दुलारा हमारा लेनेवो का कीबोर्ड हमारे हाथों में है और हम इसमें वर्क करके दिखाएंगे कि ये कैसा परफॉर्मेंस करता है। को लैपटॉप में लगाते हैं, ये देखिए दोस्तों लैपटॉप में यूएसबी को लगाया और ये देखिए दोस्तों अब इसको मैंने यहाँ से ऑन किया तो इसमें लाइट जल गई, ये देखिए नीचे लाइट जलने लगी और यूएसबी को एक बार और लगाते हैं। ये लोडिंग शुरू हो गई है। इन्हें अब देखिए दोस्तों मात्र 10 सेकंड के अंदर ड्राइवर इंस्टॉल हो गया और ये कीबोर्ड माउस काम करने लगा। अब मैं इससे आपको कंपोजिंग भी करके दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों मैं इस पे कंपोजिंग भी करके दिखाता हूँ कैसा ये कीबोर्ड चलता है, तो बड़े फॉन्ट में आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए मैं सबसे पहले लिखता हूँ सुविधा नेट। ये देखिए दोस्तों बहुत ही बढ़िया चल रहा है। अब बहुत ही स्मूथली चल रहा है दोस्तों। कई कीबोर्ड मैंने यूज किए हैं लेकिन एक कीबोर्ड जितना स्मूथली चल रहा है उतना बढ़िया इसका परफॉर्मेंस मुझे अच्छे अच्छे कीबोर्डों में ही लगता है। ऐसा नहीं लग रहा है कि एक कीबोर्ड मैंने इतने कम रेट में मंगाए हैं। तो कितने मंगाया है यही आपके सवालों का जवाब देने के लिए अभी तक मैं जूझ रहा हूँ, तो मैं आपको अभी बताऊंगा। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं आपको बताता हूँ कि ये देखिए ये कीबोर्ड कितना सही, कोई भी फॉन्ट फटाफट नोट हो रहा है। ये देखिए दोस्तों कीबोर्ड बहुत बढ़िया है, माउस बहुत तेजी से काम कर रहा है, बेहतर बढ़िया परफॉर्मेंस। मुझको नहीं लगा था कि ये माउस कीबोर्ड लॉजिटेक का टक्कर लेगा, लेकिन मुझको लग रहा है कि ये माउस कीबोर्ड लॉजिटेक का टक्कर ले सकता है। अभी मेरे पास लॉजिटेक का एक और कीबोर्ड माउस में यूज करता था, वायरलेस माउस कीबोर्ड। ये देखिए ये काफी मैंने यूज किया है, लेकिन इस कीबोर्ड और माउस की जो खासियत है मैं किसी और वीडियो में आपको बताऊंगा, लेकिन मोटे मोटे मैं बताता हूँ कि ऑन भी रहता है ये कीबोर्ड इसका माउस तो नीचे लाइट नहीं जलती, इस कारण इसका सेल बहुत ही ज्यादा चलता है। अब इसका सेल कितना चलता है ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा, अगर हम भूल जाते हैं इसको बंद करना तो क्या ये सेल डाउन हो जाएगी और बचे गए तो अनुभव के बाद ही आपको बता पाऊंगा। अभी तो अभी ये आया है लेकिन अभी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है। ये ऊपर नीचे अगर हम इसको करते हैं तो ये बहुत बढ़िया स्क्रॉल कर रहा है। ये देखिए दोस्तों तो अभी तक जो मैं पुराना कीबोर्ड माउस यूज कर रहा था लॉजिटेक का, ये भी मुझे बेहतर लग रहा था, लेकिन इस कीबोर्ड में अभी मुझे जो लग रहा है ये कीबोर्ड फुल साइज में बढ़िया दिया हुआ है। ये कीबोर्ड थोड़ा छोटे साइज में उंगलियां चलाने के लिए थोड़ा ऐसा लगता है कि कम जगह मिल रही, लेकिन इसमें पूरी जगह दी हुई है तो इसलिए ये कीबोर्ड और भी बेहतर लग रहा है। बस इसका सेल अगर बेहतर चल जाए तो और भी बढ़िया, लेकिन ये जानकारी तो मैं आपको तभी दे पाऊंगा जब 2-4 महीने इसको चला पाऊँ, तो अगला वीडियो कभी हो सके तो मैं बनाऊंगा कि इसमें सेल कितना चल रहा है। इसका तो मैं जानता हूँ, इसमें वीडियो बनाऊंगा कि इसके सेल 6-6 महीने तक चलते हैं ये लॉजिटेक कीबोर्ड में, ये वायरलेस कीबोर्ड माउस है। तो अब मैं इसको किनारे करता हूँ और फिर आ जाता हूँ लेनेवो के कीबोर्ड पे। अब मैं इसका आपको रेट बताता हूँ। ये देखिए दोस्तों जो इसके बॉक्स पे इसका प्राइस लिखा हुआ ये मैं आपके सामने ला रहा हूँ, बॉक्स पे प्राइस मैं ढूंढता हूँ। तो यहाँ पे ये डेट जो है 2019 मॉडल है और मेड इन चाइना इस पे लिखा हुआ है। और इसका दोस्तों ये देखिए इसका ओरिजिनल रेट जो लिखा हुआ है वह 1999 है, जबकि इसको मैंने मात्र 999 में खरीदा जिसमें 10% कैशबैक मिला, यानी ये मुझको केवल 900 में ही पड़ा रहा है। तो ये देखिए दोस्तों मेरे पास जो लैपटॉप है इसमें एक कीबोर्ड बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, कोई भी वर्क करना स्मूथली चल रहा है, पॉइंट बहुत बढ़िया पकड़ इसका माउस का पॉइंट बहुत बढ़िया है, ये ड्रग बहुत अच्छा कर रहा है, कोई भी चीज कंपोजिंग में सभी बटन फटाफट स्मूथली चल रहे हैं, इंटर हो या बैक स्पेस हो या कोई भी बटन। और इसके अलावा इसमें वॉल्यूम अप और डाउन के भी बटन दिए हुए हैं। तो कुल मिला के ये कीबोर्ड और माउस बहुत बढ़िया है,
कम रेट में अगर आपको लेना हो तो कभी सेल चल रही हो इसको बुक कर लीजिएगा। कभी कभी ऑफर आता है कि कीबोर्ड माउस आपको 1000 से नीचे में मिलते हैं। अगर आप अभी तक वायरलेस माउस और कीबोर्ड नहीं लिए हैं तो वायरलेस कीबोर्ड और माउस जरूर यूज कीजिए, क्योंकि ये 10 मीटर दूर से भी आप इस लैपटॉप को चला सकते हैं दोस्तों। ये 10 मीटर दूर भी आप रहेंगे तो ये आराम से आप कोई भी काम कर सकते हैं और तारों का झंझट नहीं होता है, आराम से आप कहीं से बैठिए चलाइए। और हाँ, एक चीज जरूर ध्यान, जिसमें लाइट जल रही हो उस माउस को आप जब यूज ना करना हो तो बंद जरूर कर दीजिएगा, नहीं तो ये बैटरी इसकी बहुत जल्दी खींचेगा, जो मैं आपको अलग से एक वीडियो बना के दे दूंगा। ये देखिए अभी बंद हो गया तो नहीं काम कर रहा है, इसको ऑन कर देंगे तो फिर काम करने लगेगा। तो जब भी यूज करना हो तो ऑन ऑफ कर दीजिए। हालांकि लॉजिटेक के माउस कीबोर्ड में इसका ये समस्या नहीं होती, उसको बंद ना भी कीजिए तो बैटरी चलती रहती है। तो अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों मित्रों के पास भी शेयर कीजिए। ऐसे ऐसे वीडियो हम आपको देते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।